सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड को लेकर। आप लोग देखोगे IRB 58.75 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहा है और रोड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनी है, ठीक है। और जो कंपनी टोल रिवेन्यू वगैरह है, टोल कलेक्शन वगैरह, वहाँ से कंपनी का रिवेन्यू जनरेट होता है। तो इसी बीच आप लोग देखोगे वीकेंड के चलते दो प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग बड़ी खबरें आई हैं, साथ में एक और बड़ी खबर जो कि हमें आज के दिन देखने को मिली है और जो इसका इम्पैक्ट है वो आप लोग देखोगे, हमें कल के दिन इस स्टॉक के ऊपर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, मार्केट ने साथ दिया तो भाई, ठीक है। तो यहाँ पर खबरें क्या हैं उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये स्टॉक पीछे हमने देखा होगा अभी नीचे में 50 रुपये की रेंज में आ गया था, तो बहुत बड़ा मौका स्टॉक ने दिया। अगर आप लोगों ने खरीदारी की है तो काफ़ी अच्छी बात है। आप लोग देख सकते हो भी एक महीने की अगर बात करें तो 8% की गिरावट में है, 6 मंथ में रिटर्न जो इसने दिया है वो 90% के, तो ऊपर से आप लोगों ने स्टॉक एक अच्छी खासी करेक्शन के ऊपर है। ये गिरावट नहीं है, ये मौका है भाई, ठीक है। 70 रुपये से आप लोग देखोगे अभी के टाइम जो स्टॉक है वो 16-17% के आसपास करेक्शन पर है, तो ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे। तो यहाँ से हम लॉन्ग टर्म के लिए चल सकते हैं और अगले 3 से 6 महीने में ये स्टॉक आपको 90-100 रुपये तक के मूव दिखा सकते हैं। तो चलिए, अभी आप लोगों ने अब तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी क्वालिटी के जो स्टॉक्स हैं वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप लोग भी ज्वाइन हो सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको उसका मिल जाएगा भाई। तो चलिए अब देखते भी आखिरकार 3 खबरें कौन कौन सी आई और कल के लेवल। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी दो प्रोजेक्ट्स की रिगार्डिंग खबरें आई हैं। पहली जो खबर है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी अपडेट रिगार्डिंग अपॉइंटेड डेट फॉर TOT 12 प्रोजेक्ट्स। तो पहला जो है वो 12 प्रोजेक्ट्स की रिगार्डिंग अपडेट आई है, इसकी जो अपॉइंटेड डेट है वो आ गई है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो डिटेल जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जो प्रोजेक्ट्स का एस्टीमेट लगाया जा रहा है वो तकरीबन 5182 करोड़ का भी, जिसमें आप लोग देखो डेट जो है वो 3500 करोड़ और जो इक्विटी है वो लगभग 1682 करोड़, और इसके अंदर जो IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स और जो GIC एफिलिएट है इनका जो रेशियो है, ठीक है, पार्टनरशिप का हुआ भी 51:49 ये रेशियो अभी इसका, ठीक है। और ये आपको जो सेशंस इसका देखने को मिले लगभग 20 ईयर का है भाई, ठीक है। तो ये हो गया पहला प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 5182 करोड़ का। उसके बाद आप लोग देखोगे दूसरा एक और बड़ा प्रोजेक्ट है और यहाँ पर आपको जो है इसकी डिटेल जानकारी देखने को मिल जाएगी भी, इसकी लेंथ कितनी है, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वीडियो को पहुँच करके डिटेल में पढ़ लेना। तो दूसरा जो है वो भी प्रोजेक्ट्स की रिगार्डिंग खबर, और ये खबर आपको 30 तारीख यानी कल के दिन मार्केट क्लोजिंग के टाइम देखने को मिली है भाई। तो इसी बीच आप लोग देखोगे यहाँ पर जो ना अभी सेकंड अपॉइंटेड डेट भी आ गई है TOT 13 प्रोजेक्ट्स की, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये भी डिटेल जानकारी देखने में 1 अप्रैल 2024 से जो ना अभी ये अपॉइंटेड डेट निकाली गई है, ठीक है। और इसके बाद आप लोग देखोगे इस प्रोजेक्ट्स का जो टोटल कॉस्ट वगैरह है वो यहाँ पर देखोगे भी जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो 1901 करोड़ है, डेट रहने वाला है बीच के अंदर 1331 और 517 की फ्रेश इक्विटी, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखोगे इनका जो रेशियो है पार्टनरशिप का वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा भाई, और ये भी 20 साल के पीरियड के लिए है। तो भाई ये अपडेट्स रही हैं टोटल, ठीक है, जो टोल कलेक्शन वगैरह होता है, तो ये टोटल अपडेट है। और इनके चलते आप लोग देखोगे इसकी यहाँ पर इस प्रोजेक्ट्स की भी लेंथ देख सो सड़कें बना रही है कंपनी, आपको पता ही होगा, जिसके अंदर ब्रिज वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग देखोगे केबल स्टे ब्रिज है वो भी इसके अंदर शामिल है। तो चलिए अभी अब देखते हैं डिटेल में एक और जो खबर आई है वो क्या है। यहाँ पर आप लोग देखोगे भी दूसरी जो खबर हमें देखने को मिली है वो देखने को मिली 31 मार्च को, ठीक है। और 31 मार्च आज के दिन आई है और यहाँ पर हमें देखने को मिला भी नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर वगैरह कंपनी ने लिया होगा पीछे, यानी डेट वगैरह उठाया होगा NCD के थ्रू, ठीक है, कर्जा वगैरह लिया होगा। तो इसके चलते आप लोग देखो कंपनी को फीस पे करनी होती है, तो ठीक है 350 करोड़ रुपये जो अभी इन्होंने किए थे इशू, और ये 2021 की बात है भाई, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा भी 3035 नंबर है डिवेंचर ऑफ इशू फेस वैल्यू जिसके 10 लाख, ठीक है, और इससे एग्रीगेटिंग जो प्राप्त हुआ है वो 350 करोड़ के आसपास। और यहाँ पर आपको इसकी पेबल डेट देखने को मिली होगी भी कितना इंटरेस्ट अमाउंट पे किया है, ठीक है, कितना पे कर दिया और कितना रहता है, कंपनी टाइम टू टाइम पे करिए ना भाई। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखो जो टोटल पे रहता है वो 246 करोड़, इसको जो ना 2027 तक इसकी डेट रहने वाली है, ठीक है। तो ये टोटल अपडेट है, मेच्योरिटी डेट है, तो ये टोटल अपडेट्स अभी। तो चलिए ये 3 बड़ी खबरें हो गई, इसके बाद आप लोग देखोगे कल का माहौल कैसा बनेगा भाई, खबरें बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। तो कल का माहौल कैसा रहेगा चलिए वो देखते हैं डाटा और चार्ट के हिसाब से।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमें काफ़ी शानदार मोमेंटम देखने को मिले हैं। स्टॉक में फिर से रिकवरी बन रही है, गिरावट जो हुई वो तो मौका है भाई, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला ऐसे मौके बार बार नहीं आने वाले हैं, अब यहाँ से स्टॉक में फिर से रिकवरी बन रही है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से अगर आप लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, छोटे मोटे ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो 55 के सपोर्ट के साथ चल सकते हो। 64 का पहला टारगेट रहने वाला है। अगर आप लोग देखोगे ऊपर में स्टॉक 70 रुपये को ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो उस कंडीशन में 9400 ये मूव हमें देखने को मिल सकते हैं अगले 3 से 6 महीने में। रिजल्ट्स की रही बात, रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग आने वाले हैं भाई, क्योंकि कंपनी ने जब अपने क्वार्टर 3 के बाद, ठीक है, क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के बाद जो जनवरी का डाटा दिखाया था रिवेन्यू कलेक्शन, उसके बाद आप लोग टोल कलेक्शन, उसके बाद आप लोग देखोगे फरवरी का जो टोल कलेक्शन कंपनी ने दिखाया वो आउटस्टैंडिंग रहा है, ठीक है। और इसके चलते जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो भी आउटस्टैंडिंग ही आएंगे। डोंट वरी, आपकी होल्डिंग है, आपने हाई प्राइस से खरीद लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से खरीदा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाई से खरीदा है तो नीचे में थोड़ा बहुत एवरेज करने के बारे में सोचो, और कम से कम एक साल के लिए स्टॉक को होल्ड करके चलिए, कम से कम एक साल के लिए होना चाहिए होल्ड, और इसके ऊपर में टारगेट 100+ के रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहां से हम ट्राई कर सकते हैं, और बाकी आपकी मर्जी है। आई होप आपके सारे डाउट जो ना भी स्टॉक को लेकर दूर होंगे, फिर भी कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो, और इसके रिगार्डिंग कोई भी न्यूज वगैरह निकल कर आएगी सबसे पहले चैनल पर अपडेट आपको मिल जाएगी, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।